हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान में अगर कुछ सेकंड के लिए ट्रेन लेट होती है तो कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है, बाकायदा वहां के रेल मंत्रालय की तरफ से माफ़ी मांगी जाती है। और हमारे भारत देश में क्या होता है, घंटों घंटों ट्रेन लेट होती है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में वक्त बहुत बर्बाद होता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि वक्त कितना कीमती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवाबों के शहर लखनऊ है, लखनऊ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। दोस्तों, ये ट्रेन हमारे देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है। अगर हम इसकी फैसिलिटीज की बात करें, सुविधाएं की बात करें, तो आप प्लेन के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एकदम कम प्राइस में प्लेन जैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले मैंने तीन और वीडियोस बनाई हैं। अगर आप इन तीनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इन तीनों वीडियोस को जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रेन हमारे देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है, जो कि लखनऊ से दिल्ली का सफर सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 9 घंटे में इतनी दूरी तय करती है। और इसकी एक खासियत यह भी है, अगर ट्रेन 1 घंटे लेट होती है तो 100 रुपये, और अगर 2 घंटे लेट होती है तो IRCTC की तरफ से 250 रुपये यात्रियों के बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ट्रेन के यात्रियों को 25 लाख रुपए का बीमा होगा। ये ट्रेन लखनऊ से सुबह 6:10 पर चलेगी और दोपहर 12:25 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली से 3:35 पर रवाना होगी और रात 10:05 पर लखनऊ पहुंचेगी। दोस्तों, इस ट्रेन में कुछ खास फीचर्स हैं जिसे यात्रियों को ये फीचर्स काफी पसंद आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, विंडो साइड पर्दे लगे हुए हैं और यहाँ पर स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम स्विच दबाते हैं तो पर्दे अपने आप धीरे धीरे नीचे चला आता है। और यहाँ पर देखिए, सॉकेट दिया हुआ है ताकि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सकें। अगर आप सफर के दौरान इंटरनेट यूज करना चाहते हैं और आपके पास कोई डेटा नहीं है तो ये ट्रेन आपको वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो 50 रुपए के किराए पर आपको एक टैबलेट मिलेगा, फिर उसे यूज करके आपको वापस करना होगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन में ह्यूमन ATM की सुविधा उपलब्ध है और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ लाइट ऑन करके बुक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेशन कब आने वाली है और ट्रेन कितनी रफ्तार से चल रही है। अगर हम ट्रेन की बाथरूम की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बाथरूम एंगेज है या नहीं। अगर यहाँ इंडिकेट करता है रेड तो समझ जाइए कि सामने वाला बाथरूम एंगेज है, और यहाँ ग्रीन इंडिकेट करता है या फिर कुछ भी शो नहीं होता है तो समझ जाइए ये बाथरूम फ्री है। इस ट्रेन में आपको एयरलाइंस की तरह सुविधा मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोग खड़े हैं आपकी सहायता के लिए। अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं तो ध्यान में रखें इस बात को, इस ट्रेन में कॉफी वेंडिंग मशीन सभी कोच में नहीं मिलेगी, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव क्लास में और C7 में मिलेगी, और इसमें RO भी लगा हुआ है। और यहाँ पर यात्रियों को अच्छा अनुभव कराने के लिए फूल दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, डस्टबिन कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है। और वॉशरूम से फ्री होकर हाथ धोने के लिए हाथ लगाएंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर सोप है, जैसे ही हाथ लगाएंगे तो सोप आ जाएगा। तेजस एक्सप्रेस के सिर्फ 2 स्टॉपेज होंगे, कानपुर और गाजियाबाद। यात्रा से 4 घंटे पहले वेटिंग टिकट रद्द करने पर सिर्फ 25 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि भारतीय रेलवे ट्रेन इसके लिए 65 रुपये लेती है। अगर आप दिल्ली से लखनऊ AC चेयर कार का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको 1280 रुपये
खर्च करने होंगे और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की टिकट 2,450 रुपए में मिलेगी। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन दिल्ली से लखनऊ रूट पर चलेगी। दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप तेजस एक्सप्रेस की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर बुक करें, रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए टेक्निकल मेहता फैमिली के एक मेंबर हैं जिनका नाम है MD शहजाद। इन्होंने कमेंट करके बताया था कि भाईजान तेजस एक्सप्रेस के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप भी MD शहजाद की तरह कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।